हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, साइंस की फाइनल कट ऑफ जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो आरपीएससी के द्वारा रिलीज कर दी गई है। हम देख लेते हैं दो गुना की कट ऑफ और एक गुना की कट ऑफ में कट ऑफ मार्क्स में कितना अंतर देखने को मिला है। तो आप देख पा रहे होंगे जनरल की दो गुना की इधर की साइड है, लेफ्ट की तरफ है, ये दो गुना की कट ऑफ है, इधर की साइड है एक गुना की कट ऑफ है मार्क्स है जो सिलेक्शन हुआ है जिन कैंडिडेटों का। तो हम जनरल की बात करें तो जनरल की दो गुना में कट ऑफ मार्क्स रखे गए थे 226.50, जबकि हम बात करें जनरल की जब फाइनल कट ऑफ आई है मार्क्स की तो वो 250 मार्क्स रखे गए हैं। यानी आप अंतर देखें तो समथिंग 24 मार्क्स का अंतर आता है, यानी 12 क्वेश्चन जिनके भी एक्स्ट्रा सही थे जो दो गुना की कट ऑफ से उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। EWS की बात करें तो सेम ही रहा है, SC की बात करें तो सेम ही रहा है, क्योंकि 177 से 178 हुई है तो ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। ST की बात करें तो यहाँ पे 85 है, यानी 185 मार्क्स, तो अगर हम एक गुना की कट ऑफ की बात करें तो 194 हो जाते हैं, तो यहाँ पे मार्क्स हो जाते हैं बढ़ के 9 मार्क्स, यानी कट ऑफ जो एक गुना की कट ऑफ आई है वो 9 मार्क्स अधिक आई है दो गुना की कट ऑफ के कंपैरिजन में। बाकी OBC की बात करें तो 201 मार्क्स रही थी दो गुना की कट ऑफ, अगर एक गुना की बात करें तो रही है 230, यानी यहाँ पर 29 मार्क्स का अंतर देखने को मिला है। यानी आपके 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे तब आपका सिलेक्शन हुआ है, तो अच्छी खासी कट ऑफ OBC की बढ़ी है। बाकी MBC की बात करें तो MBC में दो गुना की कट ऑफ थी वो 205 थी, और अभी एक गुना की कट ऑफ आई है MBC की तो देखें तो 212, तो यानी समथिंग है 7-5-12 होते हैं, तो यहाँ पर 7 मार्क्स बढ़ी है MBC की। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स बढ़ी है वो OBC की, आप देख लीजिएगा OBC की 201 से सीधा 230 मार्क्स बढ़ 230 मार्क्स कट ऑफ आई है फाइनल कट ऑफ, तो निश्चित तौर से यहाँ से 29 मार्क्स बढ़े हैं। और बाकी देखा जाए ओवरऑल में, तो जैसे ओवरऑल में देखा जाए किन की कट ऑफ सेम रही है, जैसे EWS और आपकी SC और बस यही दो कट ऑफ हैं जो सेम मार्क्स रखी गई हैं, कह सकते हैं ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है, जो दो गुना है वही एक गुना है। ठीक है, इस प्रकार ये साइंस की कट ऑफ रही है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।